ये रेडी है हमारा कीमा हरे मिर्च, वेज कीमा हरे मिर्च। आप इसको किसी भी चीज़ के साथ इंजॉय कर सकते हैं, पाव के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। जैसे बटर में उसको पाव को अच्छे से फ्राई कर लीजिए, उसके साथ आप ट्राई कर सकते हैं, रोटी के साथ ट्राई कर सकते हैं। सोयाबीन हरी मिर्च कीमा हमें बनाने के लिए चाहिए 150 ग्राम सोयाबीन कीमा, जो हमें इजी मार्केट में अवेलेबल मिल जाता है। और ये हमने एक प्याज ली है चॉप फाइनली कटी हुई, ये 100 ग्राम हरी मिर्च ली है, ये भी कटी हुई है नॉर्मल। और ये हमने टोमेटो प्योरी लिया है, जो कि एग्जैक्टली पूरी तरह से प्योरी नहीं है, हल्का हल्का इसको मोटा मोटा रखा है। एक चम्मच हमने लिया है लहसुन, अदरक का पेस्ट, एक चम्मच धनिया, एक चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी और एक चम्मच लाल मिर्च। अब हम सबसे पहले एक बाउल में पानी बॉईल करेंगे, जिसमें हमें सोयाबीन को हाफ बॉईल करना है, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए। तो इसमें हम नमक ऐड करेंगे और इसको बॉईल आने देंगे। अब पानी बॉईल होने लगा है तो अब हम इसमें डालेंगे सोयाबीन का ये कीमा और इसको अच्छे से बॉईल होने देंगे। पानी अगर कम रहता है तो हम इसमें पानी और थोड़ा सा मिलाएंगे, क्योंकि ये एब्जॉर्ब कर देती है पानी। अब इसको सॉफ्ट होने तक थोड़ी देर बॉइल्ड होने देंगे। सोयाबीन अच्छे से बॉइल्ड हो गई है तो हमने इसको अलग से अब छलनी की हेल्प से इसको छान के अलग रख दिया है। अब हम इसका मसाला रेडी करेंगे। अब मसाला बनाने के लिए हमने एक पैन में ऑयल लिया है 3 टेबलस्पून। आप अपने अकॉर्डिंग कितना भी ऑयल ले सकते हो, कम भी ले सकते हो, ज़्यादा भी ले सकते हो। अब ऑयल हम गर्म होने देंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे चॉप ऑनियन जो हमने काट के रखी थी। लाइट ब्राउन होने तक इसको हम फ्राई करेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे ड्राई मसाले, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और फिर हम डालेंगे टोमेटो प्योरी। अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे। मसाला अच्छे से भून गया है, अब हम इसमें डालेंगे सोयाबीन जो हमने बॉइल्ड करके रखे थे, सोयाबीन का कीमा। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसको अब हम तब तक भूनेंगे जब तक इसका एक्स्ट्रा पानी खत्म नहीं हो जाता और तेल अलग नहीं हो जाता। जब ये थोड़ी सी पक जाएगी तो हम इसके अंदर जो हरी मिर्च हमने अलग से काट के रखी है वो भी हम ऐड कर देंगे। और जब तक ये तेल नहीं छोड़ देती है तब तक हम इसको पकाएंगे अच्छे से, ताकि जो हरे मिर्च है वो भी अच्छे से पक जाए। अब ये हमारा भुन चुका है, देखिए, क्योंकि सोयाबीन ने मसाले ने और अच्छे से तेल छोड़ दिया है। तो अभी हम इसको और 2 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकने देंगे, ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी और ख़त्म हो जाए। अब लास्ट में थोड़ा सा गरम मसाला ऊपर से, जब ये भून जाएगा अच्छे से तब हम ऐड करेंगे और फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे।
अब ये सर्व करने के लिए रेडी है। अब हम इसको सर्व करते हैं। आप इसको किसी भी नॉर्मल रोटी के साथ, पुलाव के साथ या पराठों के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। ये अब रेडी है, अब हम इसको सर्व करते हैं। गार्निश कर सकते हैं।